नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां पृथ्वी को बचा लिया गया है और पृथ्वी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि पृथ्वी बच जाएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां प्रीता एक बार फिर से करण के लिए फिर से खड़ी होंगी और करण को वो बाइज्जत बरी कराने के लिए वो दिन रात एक कर देंगी, क्योंकि आखिर वो सबूतों के पीछे लगी हुई हैं, क्योंकि सबूत हाथ में आने के बाद में करण के साथ में फिर खड़ी नजर आएंगी और पृथ्वी को सजा दिलाकर ही रहेंगी। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका से कृतिका लगातार भड़कती हुई नजर आई थी प्रीता के ऊपर कि ये मेरे भाई और मेरे हस्बैंड दोनों की इमोशनल के साथ में खेलती हुई नजर आ रही है और इस तरीका से प्रीता को काफी खरी खोटी सुनने को मिल रही हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि पृथ्वी, कृतिका और भी काफी लोग, सैलन जैसी, जो कि लगातार प्रीता को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आने वाला एपिसोड वाकई में अत्यंत दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी को सजा तो दिलाकर ही रहेंगी, लेकिन दोस्तों इस समय थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है करण का, क्योंकि करण को लगता था कि वो उनकी बेल हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जल्दी ही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एक बार फिर से पृथ्वी के खिलाफ एक नया एक्शन लेने जा रही है प्रीता, और प्रीता का मानना ये है कि मैं पृथ्वी को सजा दिलाकर ही रहूँगी और करण को मैं जेल से रिहा करा कर ही रहूँगी, क्योंकि करण बेगुनाह है और किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानून के दायरे में भी दोस्तों ये लिखा हुआ होता कि कोई गुनेगार भले ही छूट जाए, लेकिन बेगुनाह कोई पिसना नहीं चाहिए गुनाहों की बेल में। साथ ही दोस्तों आपको कुछ बड़ी अपडेट्स भी बताता चलता हूँ, क्योंकि अब प्रीता के साथ एक बार फिर से देंगे सृष्टि और समीर, क्योंकि समीर एक बार फिर से प्रीता के साथ जाएगा और साथ जाने के बाद में वो करण के जो पक्ष में सबूत हैं उन सबूतों को जुटाएगा, ताकि किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम ना हो और वाकई में करण बाइज्जत बरी घर आ जाए। क्योंकि लूथरा हाउस में इस समय काफ़ी टेंशन का माहौल चल रहा है और सुनने में तो ये भी आ रहा है दोस्तों कि आने वाले एपिसोड